On 29 July 2019, VG Siddharth was on his way to a district in Bengaluru. लेकिन कुछ 6:30 PM के अराउंड उन्होंने अपने ड्राइवर को कार स्टॉप करने को कहा। पास में ही एक ब्रिज था, which was built across one of the most beautiful rivers of India, the Netravati River. Siddharth got down from the car and told his driver कि वो थोड़ी देर वॉक करने जा रहे हैं। लेकिन उस शाम वो वॉक करने तो गए, पर फिर कभी वापस नहीं आए। VG Siddharth, the founder of a 7,000 crore business enterprise called Cafe Coffee Day, had jumped off the bridge and committed a suicide. I honestly believe in next 5 years, I'll be operating in 20 countries in the world. As an entrepreneur, if you start chasing money, you won't make money. Money is of no use. It is only the passion which drives us. The sudden death of VG Siddhartha, the founder of Cafe Coffee Day, has sent shockwaves across the Indian business community. The confirmation of his death has been met with sorrow, but also concern about the tough conditions for entrepreneurship in India. CCD ke malik VG Siddharth lapta hue the. 36 ghante baad laash mili. Hi guys, welcome to Learner's Lounge. I am Inder Kapoor aur aaj ke episode mein hum VG Siddharth ki promising life story ke bare mein discuss karenge, जिसमें पैशन है, ड्रीम्स हैं, उन ड्रीम्स को फुलफिल करने की करेज भी है, पर सैडली एंड बहुत ट्रेजिक है। सिद्धार्थ कर्नाटका की एक बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे। लास्ट 140 इयर्स से उनकी फैमिली 300 एकड़ के लैंड पे कॉफी प्लांटेशंस का बिजनेस कर रही थी। मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कंप्लीट करने के बाद सिद्धार्थ फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते थे और 1982 में उन्होंने JM Financials में एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी वर्क किया, जहां उन्होंने स्टॉक मार्केट्स के बारे में सीखा। लेकिन 2 साल काम करने के बाद उन्होंने बेंगलुरु में अपना खुद का स्टॉक ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया और अपनी कंपनी का नाम रखा सिवान सिक्योरिटीज। डिस्पाइट रनिंग हिज ओन ट्रेडिंग बिजनेस, सिद्धार्थ ऑलवेज न्यू दैट हिज फैमिली बिजनेस हैड ग्रेट पोटेंशियल और वो कॉफी के साथ भी कुछ करना चाहते थे। एंड सो उन्होंने अपनी ब्रोकरेज फर्म के प्रॉफिट से और कॉफी प्लांटेशंस को बाय करना स्टार्ट कर दिया। बाय द अर्ली 90s ही हैड अक्वायर्ड ओवर 6,000 to 7,000 एकर्स ऑफ कॉफी प्लांटेशंस ऑल अक्रॉस कर्नाटका और 1992 में ही सेट अप अ न्यू कंपनी कॉल्ड ABC और अमेलगमेटेड बीन कंपनी। द आइडिया वाज कि वो अपनी प्लांटेशंस को यूज करके कॉफी बीन्स को प्रोक्योर करें, फिर उन्हें प्रोसेस और रोस्ट करके उन्हें कॉफी बीन्स में कन्वर्ट कर दें एंड देन सेल द कॉफी प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स। सिद्धार्थ ने बहुत सारे रिटेल स्टोर्स ओपन करे और साथ में कॉफी को ग्लोबली एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया और अगले 2 ही साल में उनकी कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट कॉफी एक्सपोर्टिंग कंपनी बन गई। अब उनका कॉफी एक्सपोर्टिंग बिजनेस तो अच्छा चल रहा था, लेकिन एक चीज सिद्धार्थ को अभी भी बॉदर कर रही थी, लो मार्जिन्स। यस, कॉफी ट्रेडिंग वाज अ लो मार्जिन बिजनेस एंड सिद्धार्थ न्यू कि हाई मार्जिन चार्ज करने के लिए एक ऐसा ब्रांड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कस्टमर्स को अपील करे। अर्ली 1990s में ही ग्लोबली कॉफी कल्चर बहुत पिक कर रहा था। वी अमेरिकन्स नो व्हाट वी लाइक एंड वी रियली डू लाइक कॉफी। और उसी टाइम के अराउंड सिद्धार्थ हैपेंड टू मीट द ओनर ऑफ द मोस्ट फेमस कॉफी चेन इन जर्मनी कॉल्ड चीबो। चीबो के फाउंडर ने अपना बिजनेस हैमबर्ग में एक छोटी सी शॉप से स्टार्ट किया था एंड इन 40 इयर्स ही क्रिएटेड अ मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस। ये स्टोरी सुनने के बाद सिद्धार्थ को एक नई होप मिली एंड सिंस देन ही हार्बर्ड द ड्रीम ऑफ बिल्डिंग अनदर चीबो इन इंडिया। पर एक छोटा सा इशू था, सिंस जनरेशंस इंडिया हैड बीन अ नेशन ऑफ टी लवर्स और ऐसी कंट्री में जहां एक मसाला चाय 5 to 10 rupees में मिलती हो, शायद ही कोई ऐसा होगा जो कॉफी के लिए 25 to 30 rupees स्पेंड करे। सो व्हाइल सिद्धार्थ रियली वांटेड टू पुश स्टार्ट हिज ओन कॉफी चेन, ही हैड रीच्ड अ डेडलॉक। लेकिन कुछ ही टाइम बाद उन्हें इस डेडलॉक का सॉल्यूशन सिंगापुर के एक बियर कैफे में मिला। ऑन वन ऑफ हिज ट्रिप्स टू सिंगापुर ही सॉ अ बियर शॉप जहां बहुत क्राउड था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जब वो शॉप पर गए तो उन्होंने देखा दैट पीपल वर चिलिंग इनसाइड द शॉप सिपिंग बियर्स एंड सर्फिंग ऑन देयर फोन्स। इंटरेस्टिंगली उस शॉप के ओनर बियर के साथ 1 hour ऑफ फ्री इंटरनेट भी ऑफर कर रहे थे। दिस वॉज द यूरेका मोमेंट फॉर सिद्धार्थ। इंडिया वापस आने के बाद ही कॉल्ड अ टीम मीटिंग और उन्होंने इंडिया का सबसे पहला इंटरनेट कैफे लॉन्च करने का डिसीजन लिया। इन 1996 कैफे कॉफी डे वॉज बॉर्न।
just like the beer cafe. Their business model was to give away 1 hour of free internet along with a cup of coffee to the customer. इस मॉडल ने CCD को बिजनेस मीटिंग्स के लिए एक परफेक्ट प्लेस बना दिया और उनका फैंटास्टिक मार्केटिंग कैंपेन जिसका स्लोगन था अ लॉट कैन हैपन ओवर कॉफी इतना ज्यादा फेमस हुआ दैट CCD बिकेम अ हाउसहोल्ड नेम इन द कंट्री. आई शेयर अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद कॉफी डे. इट हैज हेल्प मी नर्चर माय ओन रिलेशनशिप टुडे विद माय हस्बैंड. इट वाज मे बैक इन 2003 दैट आई मेट हिम एट कैफे कॉफी डे. व्हेन आई became an entrepreneur. I didn't have initially an office, but a lot of my meetings used to take place in Cafe Coffee Day. Siddharth knew ke India mein coffee ki ek cultural wave aane wali thi kyunki India apni demographic peak pe aa raha tha. That is, it was soon going to be a country filled with youngsters. और इससे पहले कि कोई इंटरनेशनल कॉफी चेन जैसे स्टारबक्स इस मार्केट को कैप्चर करे, सिद्धार्थ वांटेड टू एक्सपैंड CCD एज क्विकली एज पॉसिबल. बाय 2013 कैफे कॉफी डे ने मोर देन 1000 स्टोर्स ओपन किए, जबकि उनके कंपेटिटर्स जैसे बरिस्ता और स्टारबक्स के कंबाइंड स्टोर्स 200 से भी कम थे. सिद्धार्थ वांटेड टू मेक CCD वन ऑफ द टॉप कॉफी चेन्स इन द वर्ल्ड और वो ये बिलीव करते थे कि कुछ ही टाइम में CCD के स्टोर्स टाइम्स स्क्वायर और ऑर्चर्ड स्ट्रीट जैसे फेमस ग्लोबल प्लेसेस पे भी दिखेंगे. नाउ दिस वाज द ग्लोरियस पार्ट ऑफ CCD, बट CCD की बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ साथ उससे रिलेटेड एक चीज और भी बहुत फास्ट बढ़ रही थी, CCD's डेट. वैसे तो CCD का बिजनेस बहुत फास्ट ग्रो कर रहा था, लेकिन इस एक्सपेंशन के लिए उन्हें मार्केट से बहुत सारा डेट रेस करना पड़ रहा था. 2010 में उन्होंने कुछ प्राइवेट इक्विटी फर्म से $149 million, दैट इज समवेयर अराउंड 1000 crore का लोन रेस किया, जिसके एक्सचेंज में इन फर्म्स को IPO के टाइम CCD में स्टेक दिया जाएगा. और जून 2015 तक CCD की बैलेंस शीट पर 2700 crore का डेट आ गया था. इतने डेट की वजह से सिद्धार्थ डिसाइडेड टू लिस्ट हिज कंपनी इन द स्टॉक मार्केट, ताकि वो रिटेल इन्वेस्टर से कैपिटल रेस करके अपने डेट के बर्डन को थोड़ा रिड्यूस कर सके. ऑन 14th October 2015 कॉफी डे एंटरप्राइजेस, दैट इज CCD की पेरेंट कंपनी का IPO लॉन्च हुआ. एंड व्हाइल सिद्धार्थ हैड एक्सपेक्टेड द इन्वेस्टर्स टू जंप एट द कंपनी शेयर्स, टू हिज डिसअपॉइंटमेंट उन्हें मार्केट से एक ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स मिला. इस IPO फेलियर के बाद से CCD एक डेट ट्रैप में फंसता गया. एंड बाय 2018-19 द टोटल डेट ऑफ द कंपनी वॉज अराउंड 11,000 crore. वैसे तो CCD एक प्रॉफिटेबल कंपनी थी, बट उतना प्रॉफिट उनके डेट का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट्स करने के लिए काफी नहीं था. सो सिद्धार्थ ने मार्केट से शॉर्ट टर्म लोन लेके पुराने लॉन्ग टर्म डेट का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपे करना स्टार्ट कर दिया. इन फाइनेंशियल लैंग्वेज वी कॉल दिस रीफाइनेंसिंग द डेट. अ लॉजिकल क्वेश्चन हियर कुड बी कि सिद्धार्थ को इतना डेट लेने की जरूरत पड़ी ही क्यों. एक्चुअली सिद्धार्थ सिर्फ CCD नहीं बल्कि बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्टेड थे. रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट ही स्टार्टेड ऑफ विद अ शेयर ट्रेडिंग बिजनेस. सिमिलरली कॉफी डे एंटरप्राइजेस सिद्धार्थ की सारी कंपनीज की पेरेंट कंपनी थी और उनके बिजनेसेस रेंज्ड ऑल द वे फ्रॉम कॉफी ट्रेडिंग एंड प्लांटेशन टू फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स एंड इवन रियल एस्टेट. सिद्धार्थ ये सारे बिजनेसेस एक ही टाइम पे रन कर रहे थे. सो फॉर एग्जांपल, इवन इफ CCD वाज प्रॉफिटेबल, ही यूज्ड टू इन्वेस्ट सम ऑफ दीज प्रॉफिट्स इनटू हिज रियल एस्टेट बिजनेस. और रियल एस्टेट बिजनेस का जेस्टेशन पीरियड बड़ा होने की वजह से दिस बिजनेस डज नॉट गिव द इन्वेस्टर अ क्विक रिटर्न. सो व्हाइल सिद्धार्थ केप्ट इन्वेस्टिंग, ही गॉट वेरी लेस रेवेन्यू इन रिटर्न फ्रॉम दीज बिजनेसेस. इन्हीं सब रीजंस की वजह से CCD का डेट बढ़ता गया. और फिर एक दिन सिद्धार्थ की लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ दैट चेंज्ड हिज लाइफ फॉरएवर. ऑन अ फेटफुल डे इन 2017 सिंगापुर में अ मैन वाज कॉट विद एन अनअकाउंटेड कैश ऑफ ₹1.2 crore. जब उसे इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये पता चला दैट द मनी बिलोंग टू VG सिद्धार्थ. एंड व्हेन दिस न्यूज रीच्ड इंडिया तो इंडियन इनकम टैक्स ऑफिशियल्स ने सिद्धार्थ के 20 डिफरेंट ऑफिसेस पे रेड करी और उन्हें कुछ 650 crore की ब्लैक इनकम मिली. और जैसे ये न्यूज पब्लिक हुई, सिद्धार्थ रेपुटेशन वेंट फॉर अ टॉस. मशहूर रेस्टोरेंट चलाने वाले कैफे कॉफी डे के मालिक VG सिद्धार्थ के दफ्तर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की. जिस रेपुटेशन पे सिद्धार्थ आज तक लोन लेते आए थे, अब वो रेपुटेशन मार्केट में खराब हो चुकी थी. एंड नाउ इट वुडंट बी इजी फॉर सिद्धार्थ टू टेक एनी मोर लोन्स फ्रॉम द मार्केट. स्लोली द प्रेशर स्टार्टेड बिल्डिंग अप
CCD में जो PE firms invested थी, उन्होंने भी अपना stake sell करना start कर दिया, और कोई भी bank अब सिद्धार्थ को loan देने के लिए ready नहीं था। इसके दो reasons थे। First, that nobody in the market trusted Siddharth's ability to repay the loans, and second, 2018 में Indian banking industry में कुछ major NBFCs जैसे IL&FS के fail हो जाने की वजह से banking industry में एक liquidity crunch चल रहा था, and so even if they were offering loans तो उसका इंटरेस्ट इतना हाई था कि सिद्धार्थ वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। डेट रीपे करने के लिए उन्होंने धीरे धीरे अपनी बहुत सारी कंपनी सेल करनी स्टार्ट की, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिशियल्स ने उनके काफी सारे एसेट्स फ्रीज कर दिए थे और वो उन्हें भी सेल नहीं कर पा रहे थे। फॉर सिद्धार्थ इट सीम्ड लाइक द वर्ल्ड वॉज क्लोजिंग इन ऑन हिम, हिज ड्रीम वॉज क्रम्बलिंग, and so was the passion inside him. A few days later, Siddharth ne apni management ke liye ek letter likha. It said, and I quote, "I fought for a long time, but today I gave up. My intention was never to cheat anybody. I failed as an entrepreneur." Aur ye likhne ke 4 din baad, Siddharth ki dead body Netravati river mein mili. VG Siddharth had given up on his life and also on his dreams. Often, entrepreneurs की लाइफ को ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि उनकी जर्नी में ऐसे बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं जो हर कोई फाइट नहीं कर पाता। सिद्धार्थ भी ऐसे ही एक स्ट्रगल से फाइट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी द वर्ल्ड विल ऑलवेज सेलिब्रेट हिम फॉर गिविंग अस कैफे कॉफी डे। दैट्स इट फॉर टुडे। For this episode, we refer to an extensive research article in Business Today magazine. We'll see you in the next video. Till then, don't forget to like, share, and subscribe to the channel.